have few runs behind my back, but at the same time, there's a very thin line between you getting a little complacent also when you're coming into any game after scoring runs. So I think you got to do a lot, all your processes and routines the same way what you have been doing when you have done well. So I don't like 99%. I try to do the same things on match days. Like for example, if I have to do a gym session, or I have to eat lunch on perfect timing, I have to take a power nap for about 15-20 minutes. So all these things, these are small routines, which I try to do on game days. And when I come to the ground, I feel good. So that is my zone. And also, I spend a lot of time on off days with my wife, speak to my parents a lot. The one thing which keeps me grounded always is they don't talk about the game. We don't talk about the game at all. No discussion about the game, and they keep me in good space. That's the most important thing, and I'm really happy staying in that zone for a very long time from here on. अभी रिसेंटली कुछ गेम्स हम लोग खेले हैं साथ में, बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स की है, तो बहुत अच्छा मजा आता है मेरे को उनके साथ बैटिंग करने के लिए. एक चीज है, भागना बहुत पड़ता है क्योंकि इतने सुपर फिट है वो, बट एट द सेम टाइम हम लोग जब अंदर होते हैं हम लोग ज्यादा गेम के बारे में डिस्कस नहीं करते. हम लोग को पता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं अपने अपने गेम के बारे में, कौन कैसा खेल रहा है, तो वो कुछ ज्यादा बोलते नहीं है. मैं उनको ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, बस मैं एक ही चीज बोलता हूँ उनको कि आप एक साइड से खेलते रहिए, तो मैं एक साइड से अपना बैटिंग जो है वो मैं करते रहूंगा. और वो बिल्कुल मुझे कुछ बोलते नहीं है अलग बैटिंग करने के लिए. वो बोलते हैं जैसा खेलते आ रहा है वैसे ही खेल और एंजॉय कर अपना गेम बस. उसको तो मैं सर एक कॉम्प्लीमेंट के जैसा लूंगा और ट्राई करूंगा मैं और कैसे अच्छा कर सकूं कंसिस्टेंटली. जी बिल्कुल, पिछला टाइम एक्चुअली मैं हमेशा याद करता हूँ, क्योंकि मैं जब रूम में रहता हूँ और वाइफ के साथ ट्रैवल करता रहता हूँ, तो हम लोग वही बात करते हैं कि 2-3 साल पहले कैसा सिचुएशन था, अभी क्या सिचुएशन है, ऐसा क्या बदल गया, तो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं वो टाइम के बारे में. फ्रस्ट्रेशन तो ऑब्वियसली थोड़ी सी थी वो टाइम पे, बट हम लोग यही देखते थे कि हम लोग इसमें से पॉजिटिव क्या निकाल सकते हैं, बेटर क्रिकेटर कैसे बन सकते हैं, मैं एक स्टेप आगे कैसे जा सकता हूँ. तो वो टाइम के बाद मैंने कुछ दूसरी अलग अलग चीज़ें करने के लिए ट्राई किया, मतलब अच्छा 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 खाना खाना, अच्छा क्वालिटी प्रैक्टिस सेशन करना, फिर टाइम पे सोना. मतलब उसके पहले भी मैं ये सब करता था, बट ऐसा क्वालिटी टाइम्स नहीं कर पाता था. तो हम लोग ने बहुत डिस्कस किया ऐसे, और उसके बाद टाइम कम्प्लीटली चेंज हो गया. तो वो जो सब चीज़ें जब मैंने की है वो सब आज हेल्प हो रहा है और उसका फल खा रहा हूँ मैं. I think that plays a big role. Playing, you got to play the format irrespective where you're playing, and most important thing is you should be having a game plan in your mind. How, what the wicket is like, what are the ground dimensions, how the ball will travel, etc. So all these things you got to keep in mind, and rest, all the thinking you have to do in your practice sessions and when you're sitting back in the room. If you can't think too much when you come into the game, you got to come with a little clear mind, positive mindset, with good intent when you're playing this format, and then just enjoy yourself. That's it. Yes,
course, I also get amazed after seeing some strokes when I go back to the room. I obviously see all the highlights every time, even if I do well or not do, if I'm not doing well on that day, I do watch the highlights. But yeah, even I get surprised after seeing those strokes. आ रहा है वो टाइम भी आ रहा है, मतलब क्योंकि जब हम लोग क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो रेड बॉल से ही स्टार्ट करते हैं, और अपने मुंबई टीम के लिए भी मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हूँ ठीक ठाक, तो अच्छा खासा आइडिया है मुझे वो भी फॉर्मेट का, और वो फॉर्मेट भी बहुत एंजॉय करता हूँ मैं खेलने के लिए, और होपफुली टेस्ट कैप भी आएगी जल्दी. थोड़ा डिफरेंस करता है, मीन्स कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली ज़रूरी है जैसे कि मैंने कहा, और ये फॉर्मेट जब मैं खेलता हूँ तो एक अच्छे इंटेंट के साथ खेलने के लिए ट्राई करता हूँ, बट कभी भी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं गेम से आगे नहीं जाऊँ, मतलब मैं ऐसा कभी नहीं सोचता हूँ आज मेरे रन लग रहे हैं तो मैं इतने रन बनाऊंगा या इतने इतने रन करूंगा, क्योंकि वो टाइम पे आपका प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने थोड़े देर के लिए भी ये सोचा कि मैं बॉलर से आगे हूँ या मैं गेम से आगे हूँ, तो वहाँ थोड़ी सी प्लानिंग में मिस्टेक हो जाती है. तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है आगे का जाता है ये सोचने के लिए, बट मैं ट्राई करता हूँ कि वो टाइम प्रेजेंट में रहूँ और वो टाइम मुझे क्या करना है वो सोचूँ ज़्यादा. थैंक यू थैंक यू.